नमस्कार आदाब, डीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ में फरहा सदीकी। आज एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। इसका टाइटल है, अरे मैडम कंगना रनौत अब बस भी करो। आजकल राजनीतिक पार्टी को कई बैठे बैठाए प्रवक्ता मिले जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पार्टी प्रवक्ताओं की छुट्टी ही हो जाए। बात ऐसी साफगोई से करते हैं कि कभी कभी आपको भ्रम होगा कि कहीं वो पार्टी टिकट के जुगाड़ में तो नहीं है। वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन माहौल बनाने में उनका कोई सानी नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की। जब से पंगा मूवी में काम किया उसके बाद तो इस कैरेक्टर का इतना असर हुआ कि अभी तक उतरा ही नहीं। विवादों के साए में रहने के पीछे क्या मकसद है ये तो मैडम ही जाने, लेकिन इतना तो तय है कि इससे उनको अभी के माहौल में फायदा तो मिल ही रहा है। वो हर एक विद्या में जानकार हैं। देश में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में उन्होंने अथाह अध्ययन नहीं किया है। भले ही खेत पर एक दिन ना गई हो काम के लिए, लेकिन किसान के हक की बात पर चल रहे आंदोलन में इनके कमेंट किसी खरीदे गए कृषि विशेषज्ञ से कम नहीं होते। राय शुमारी में तो सोशल साइट्स भी इनसे खौफ खाने लगी हैं कि अगर मैडम नहीं बोली तो हैशटैग और ट्रेडिंग का क्या होगा, कहीं उनकी दुनिया अनाथ ना हो जाए। हर एक सोशल साइट्स पर इनके तीखे प्रहार से विपक्ष में हलचल सी मच जाती है। लगता है मैडम के नहीं बोलने के कारण ही सब कुछ रुक सा गया है। बॉलीवुड में ऐसे एक्टर्स की लिस्ट में कमी नहीं है जो हमेशा किसी ना किसी विवाद से घिरे रहते हों, लेकिन हीरोइंस की लिस्ट में कंगना हमेशा टॉप पर रहती हैं। बस मौके बेमौके पर इनके बोल ही सोशल साइट्स की टीआरपी बढ़ाते हैं। हद तो ये है कि इनके बेतु के बयान हमारे मीडिया चैनल्स में हेडलाइन बन जाते हैं। खैर, जब भी किसी को इतनी लोकप्रियता बिना पैसे खर्च किए मिले तो कौन बेवकूफ़ होगा जो इस मौके को भुनाना नहीं चाहेगा। पब्लिसिटी को भले ही आप हल्के में लें, लेकिन इनकी आने वाली फिल्मों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जब पैसे की बचत और करियर की ऊंचाई ऐसी उल जलूल बातों से होती है तो कौन भला अपनी मर्दानगी को रोके। कंगना रनौत अपनी एक्टिंग के साथ साथ विवादित बयानों की एक्टिंग में धाक जमा रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो बयानों के मामले में देश के मुद्दे पर ही बात करती हैं। वो बॉलीवुड में परिवार और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बाज नहीं आती। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए से इनके विवादित कमेंट दिखाते हैं। करीना कपूर खान डम नेपो किड्स, दीपिका पादुकोण मेंटल इलनेस पेशेंट, रणबीर कपूर सीरियल स्कर्ट चेसर, आलिया भट्ट डम किट तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर बी ग्रेट एक्ट्रेस, आयुष्मान खुराना चापलूस आउटसाइडर, इन सब कमेंट के बाद तो ट्विटर पर तो रीट्वीट और ट्वीट की बारिश आ गई। कई बार तो अनुराग कश्यप से लेकर तापसी पन्नू तक कंगना रनौत से सोशल मीडिया पर भिड़ चुके हैं, लेकिन कंगना किसी की सुनती ही कहां है। कभी कभी बड़बोलापन महंगा भी पड़ जाता है। किसान आंदोलन को लेकर कंगना की बेलगाम बयानबाजी पर ट्विटर ने एक्शन लिया। उनके वो तमाम ट्वीट डिलीट कर दिए जो उसकी नजर में आपत्तिजनक थे। ट्विटर के इस एक्शन के बाद सोशल मीडिया पर घमासान मचा। कंगना के ट्वीट डिलीट किए जाने पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, हमने उन ट्वीट्स पर एक्शन लिया है जो ट्विटर के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। हाल ही में इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट पर काफी विवाद हुआ। विवाद के बाद तो कंगना ने नाराजगी जताई और ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिहाना के ट्वीट के चलते कंगना और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के बीच भी ट्विटर पर जंग छिड़ गई। दिलजीत के बाद अब कंगना ने भारतीय टीम के क्रिकेटर रोहित शर्मा पर भी तंज कसा है। किसान आंदोलन पर सभी क्रिकेटर्स अपना पक्ष रख रहे हैं। विराट कोहली, सचिन और रहाणे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने देश को मैसेज दिया है। वहीं रोहित शर्मा ने भी इस पर ट्वीट किया, जिसके बाद कंगना रनौत ने उनके ट्वीट को रिट्वीट कर सभी क्रिकेटर्स पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने लिखा, सारे क्रिकेटर्स धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसे क्या साउंड कर रहे हैं।
किसान ऐसे कानूनों के खिलाफ क्यों होंगे जो उनकी भलाई के लिए है। ये आतंकी है जो बवाल मचा रहे हैं, कह दो ना, इतना डर लगता है। हालांकि ट्विटर ने कंगना के इस अपमानजनक ट्वीट को डिलीट कर दिया। रोहित शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत हमेशा तब मजबूत हुआ है जब हम सब एकजुट होकर रहे हैं और समाधान निकालना वक्त की मांग है। हमारे किसान हमारे राष्ट्र की भलाई में बहुत अहम रोल निभाते हैं और मुझे यकीन है कि हर कोई समाधान निकालने में अपना रोल बखूबी निभाएगा। ये बातें कहां से मैडम को गलत लगी, ये तो मैडम ही जाने। यहां पर हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जहां वो किसर बॉय इमरान हाशमी के साथ जी जान से जुटी हैं। ये वही मैडम है जो कपिल शर्मा के शो पर बोलती थी कि सोशल साइट्स पर वही सक्रिय रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। तो मैडम, आपके बारे में क्या कहा जाए? क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करना। मुझे पूछ रहे हैं मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एकदम वेले हैं लोग। इसे देखने के बाद पता चलता है कि मैडम वक्त के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। बदलती हैं तब जब उनको ढंग का फायदा दिखता है। फायदे के व्यापार में वो सही मायने में क्वीन हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आज के एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। टीबीजे मीडिया में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।